डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन 8 भी करते हैं। चलिए डिजाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला फर्स्ट लेफ्ट साइड से बनाते हैं। इसके लिए दो गाइड ले लीजिए ऊपर से। एक गाइड लगाया हमने, दूसरा भी लगाया। बेजियर टूल्स लीजिए। बेजियर टूल लिया और जस्ट यहाँ से जैसे जैसे है क्लिक कीजिए। 1, 2, 3, 4 इस तरह हमने क्लिक किया। पहले ये पीला वाला डिजाइन बनेगा। सेव टूल्स क्लिक किया, यहाँ पे कर्व लिया, इसको ऊपर उठाया, ज़रा सा कर्व किया, इसको भी कर्व कर लेते हैं। इसको भी सेम उसी तरह कर्व किया। अब ये डिजाइन बनाने के लिए अगेन बेजियर लेते हैं, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। एक और गाइड लगा दिया सेंटर लाइन में, इसका बेजियर लिया, क्लिक कीजिए। हल्का सा ये आपको इशारा करता है कहाँ क्लिक करना है गाइड लगाने से। एक यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और लास्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलना चाहिए, यानी नोट्स पे, इस तरह तभी ये कलर फिल होगा। जूम कर लेते हैं ज़रा सा। हम जूम कर लिया, फिल करके देखते हैं फिल हो रहा कि नहीं, कलर फिल हो रहा कि नहीं। इस तरह ये फिल हो गया, ये फिल हो रहा कि नहीं ब्लू, ये भी फिल हो रहा, ठीक है। जूम से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ ये कर्व में बना हुआ इसको भी हम कर्व कर लेते हैं उसी तरह। हल्का सा कर्व है ये। कंट्रोल जेड, दोबारा कर्व करते हैं। कर्व, ये हमने कर्व कर लिया। अगर आपको इस तरह होता है तो दोबारा बना लीजिए इसको, जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया। ये डिलीट आपका बेजियर लगाने में भूल हुआ है। यहाँ अगेन बेजियर लिया, यहाँ क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक और यहाँ पे क्लिक, और ये बिल्कुल नोड में मिलना चाहिए। फिल करके देख लेते हैं, फिल हो रहा है। सेव टूल्स, हल्का सा कर्व कीजिए इसको, यहाँ पे आकर ये हमने क्लिक किया, ये भी कर्व में है, इसको क्लिक किया, ये क्लिक किया। और नोट्स का जैसे भी सेट के लिए आपके ऊपर है। इसके बाद सेम इसका डुप्लीकेट लेने के लिए कंट्रोल दबा के नोट पकड़ के राइट ड्रैग करके माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए, डबल हो जाता है। उस तरफ लगा दीजिए, इस तरफ सेट कर लीजिए आप। अगर शिफ्ट बिल्कुल सेट नहीं हो तो नोट पकड़ के आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। इस तरह टेक्स्ट लिखा ब्रेन, IN ब्रेन लिखने के बाद इसको भी कर्व करना है। जूम किया, जूम करने के बाद पहले इसमें सेट किया छोटा करके। कर्व करने के लिए टूल बॉक्स से आपको ये लेने पड़ता है, एक्सट्रूड लिया। एक्सट्रूड मत लीजिए, ये लगेगा आपका। ये इन्वेलप, इंटरेक्टिव इन्वेलप लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और बीच पे क्लिक कीजिए और नोट पकड़ के इसको ऊपर कीजिए और इस नीचे वाला नोट पकड़ के इसको भी आप कर्व कर लीजिए। इस तरह जितना सेटिंग हो सके उतना कीजिए। ग्रुप करना है, ग्रुप करने अब आ गया होगा आप लोगों को। सेलेक्ट कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक सर्किल बनाइए। इस सारे गाइड को एक साथ डिलीट करने के लिए एडिट, सेलेक्ट ऑल,
गाइड सेलेक्ट और डिलीट से डिलीट हो जाएगा। पहले एक सर्किल बनाइए इस डिज़ाइन को करने के लिए। कंट्रोल दबा कर सर्किल बनाया हमने। सर्किल का सेंटर पॉइंट लीजिए, गाइड लगा लीजिए। इस तरह हमने गाइड लगाया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्किल सेलेक्ट कीजिए पहले। ये आपका यहाँ सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे गाइड रखा हमने, यानी सर्किल का सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। ये जहाँ क्रॉस कर रहा है ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब ये डिजाइन बना, कोई एक डिजाइन बनाने के लिए गाइड लगा कर आर एक ले लीजिए यहाँ, और एक गाइड लगा लीजिए यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे इस तरीके से ये आर एक लगा लीजिए, ये इस तरीके से। ये जूम कर लेते हैं। बेजियर टूल्स लिया, ये वाला डिजाइन जो येलो कलर में, ये बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं पहले। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये क्लिक, जैसे उसके डिफरेंस में ये क्लिक, ये बिल्कुल सीधा क्लिक, ये क्लिक किया हमने। नोट्स बिल्कुल मिलना चाहिए, यानी कलर फिल हो रहा है कि नहीं। देखिए फिल हो रहा था, ओके। कंट्रोल जैसे इस तरह हटा लिया हमने, कंट्रोल जेड। जूम करते हैं हम इसको पहले। सेव टूल से जैसे जैसे है डिजाइन से मॉडिफाई कर लीजिए। हमने मॉडिफाई कर लिया ये सेव टूल से, इसको भी और इसको भी मॉडिफाई किया। इसको भी किया, इसको भी किया, जो कलर फिल करना फिल कर लीजिए, फिल किया। इसका रोटेशन पॉइंट लेने के लिए जो डिजाइन बना आपका ये ब्लू सा, इसे डबल क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक कीजिए, एक गोल सा आ रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। इस पर क्लिक, ये गोल सा, इसको पकड़ के हमने सेंटर पॉइंट पे रखा। इसको जूम कम कर लेते हैं। इस डिजाइन वाले पर डबल क्लिक, ये रोटेट पकड़ कर जहाँ आपको मर्जी गैप कीजिए। दूसरा डिजाइन देने के माउस बटन का राइट क्लिक कीजिए, थोड़ा और गैप कर लिए, राइट क्लिक। इसके बाद कंट्रोल डी डी डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इस तरह आपका बन जाता है। फिर ये वाला डिजाइन बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर लीजिए, इसमें नीचे वाले में 9 जो भी पॉइंट लेना लीजिए, इस तरह पतला सा बना लीजिए, जो भी इसके साइज का हो। कोई कलर फिल कर सकते हैं आप। इसको अब बराबर में रखिए, इसको भी जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप इसको बराबर कर लीजिए। इसको बराबर किया, इतना पतला मोटा रखना हमने किया, ठीक है। ये अभी बड़ा है इसको, ठीक है। इसका भी रोटेशन पॉइंट के लिए क्लिक किया, ये गोल सा दिखाई देगा आपको, जूम कर लीजिए। ये क्लिक किया, ये रोटेशन पॉइंट आया, इसको पकड़ के एकदम रोटेशन पॉइंट में होना चाहिए डिजाइन पर। ऑलरेडी ये आ रहा डबल क्लिक है, क्लिक इसे हमने रोटेट किया, जहाँ देना है आपको यहाँ छोड़ना है। यहाँ पे देखिए दोनों में सटर, राइट क्लिक, उसी तरह कंट्रोल डी, कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल जेड करते हैं इसको, और थोड़ा सा दोबारा लीजिए इसको, डबल क्लिक करके एक यहाँ पे रोटेशन पॉइंट दीजिए।
या बीच में राइट क्लिक, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करते हैं। अगर नहीं आता दोबारा आपको इसमें क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक कंट्रोल डी कंट्रोल डी, जूम को कम किया थोड़ा, अगर डिज़ाइन का एडजस्ट कर लिए बड़ा कर लीजिए इसको, क्योंकि रोटेशन बिल्कुल सेंटर में नहीं होने से इसी तरह आएगा। अगर बिल्कुल सेंटर पे आएगा तो आपका डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ये वाला को हटा दीजिए, ऊपर वाला को एक डिलीट किया हमने सेलेक्ट करने के बाद। इसके बाद कलर जो करना है आप कर दीजिए, उसमें जो भी कलर है फिलअप कर दीजिए। सर्किल को उस तरह करना है तो उस तरह फिल कर दीजिए, इसमें कोई कलर चेंज करना है चेंज कर दीजिए, कोई ये कलर चेंज करना है वाइट करना है वाइट कर दीजिए, जो भी कलर चेंज करना है आप चेंज कर दीजिए। ग्रुप करने के लिए हमने सबको सेलेक्ट किया, अरेंज ग्रुप या कंट्रोल जी। इसको बनाने के लिए दो सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल हमने यहाँ बनाया कंट्रोल दबाकर, और एक इसका डुप्लीकेट बिल्कुल इसी लाइन में रखा राइट क्लिक माउस का, ये छोटा किया हमने, कोई कलर फिल किया। इसमें फिल कर लिया, इसमें ब्लेंड टूल लगता है, ब्लेंड टूल लगाने के लिए इस पर आइए, ये वाला लगाइए और जस्ट इस पर क्लिक करके इसको मैच कर देना। यहाँ से आप देखिए स्प्लिट किस में होता है, ये प्रॉपर्टी बार से, तो स्प्लिट देख चेक कीजिए यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पाथ है, स्टैंडर्ड ब्लेंड है, स्टार्ट एंड एंड है। इसमें देखिए मिसलिनियस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए स्प्लिट है, स्प्लिट सेलेक्ट कीजिए और किसी एक सर्किल पे इसका जो आपका एरो आ रहा कर्व में, इसको किसी एक सर्किल पे क्लिक कीजिए, ये ब्लेंड हो जाएगा। आप पिक चुन लीजिए, ये आपका इस तरह ब्लेंड हो जाएगा जहाँ भी करना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल लेके हमने स्क्वायर बनाया, वाइट फिल कीजिए, जैसे ये देखिए फिल ब्लू हमने वाइट फिल कर लिया, वाइट फिल। इस तरह करने के लिए आप ये वाला बॉक्स लीजिए, यानी एक्सट्रूड कर लीजिए, ठीक इसी तरह आप इस पर क्लिक करके बनाइए। ये कितना बड़ा जाएगा, क्या मॉडिफाई करना है, इसको इधर एरो को इधर ले जाइए, जितना भी आपको मॉडिफाई, और थोड़ा सा ये दिखाई दे ऊपर वाला, ये बड़ा कर लिया हमने, इस तरह क्लिक किया हमने, ये हो गया। इस तरह आपका ये ब्रेन टू ब्रेन लिखना है, लिख के रख दीजिए, यहाँ से कॉपी करना है तो अरेंज में आइए, ग्रुप नहीं है ऑलरेडी ये कॉपी हो जाएगा, टेक्स्ट सिलेक्शन नहीं है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, इसमें राइट बटन दबाइए माउस का और इसको छोटा कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ से ड्रैग किया माउस का राइट बटन, इसमें एडजस्ट कर लीजिए, इस तरह ड्रैग करके हमने छोटा कर लिया। आपका ये आठवां लेसन है, अब बहुत कुछ अब मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, जल्दी ये लेसन ख़त्म होने के बाद मैं बहुत जल्दी डिजाइन शुरू करूँगा आज के लिए। तब तक के लिए आठ लेसन यहीं तक होगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर प्रेस द बेल आइकन एंड गिव ए कमेंट, ताकि मैं आप तक अगला वीडियो पहुंचाता रहूं। थैंक यू।